उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के आवेदन का एक नया रिकॉर्ड बन गया है। जी हाँ, रिकॉर्ड आवेदन आए हैं आपकी सिपाही भर्ती के लिए। जैसा कि आपको पता है, सिपाही भर्ती का फॉर्म भरा जा रहा था, इसकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश का नया रिकॉर्ड बन गया है, लगभग 50 लाख बच्चों ने सिपाही भर्ती के लिए आवेदन किया है, जिसमें पदों की संख्या लगभग 60,000 है। जी हाँ, इतनी बड़ी मात्रा में आज तक उत्तर प्रदेश में कभी भी फॉर्म नहीं भरे गए। इसके पहले जो आपका यूपीटेट की परीक्षा हुई थी 2019 में, उसमें लगभग 35 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो अब नया रिकॉर्ड बन गया है उत्तर प्रदेश का, जिसमें 50 लाख बच्चे पेपर देने वाले हैं। अगर हम लोग केंद्र सरकार की बात करें तो आपका जो ग्रुप डी की परीक्षा होती है उसमें लगभग 1 करोड़ बच्चों ने अपना फॉर्म भरा था, और उत्तर प्रदेश का यह नया रिकॉर्ड है, 60,000 पदों के सापेक्ष 50 लाख बच्चे पेपर देने वाले हैं। इसमें महिलाओं के लगभग 12,000 पद हैं और महिलाओं ने लगभग 15 लाख आवेदन किया है, यानी कि 50 लाख में लगभग 15 लाख सिर्फ और सिर्फ महिला हैं, और ये भी एक नया रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी मात्रा में आज तक महिला अभ्यर्थियों ने किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं दिया था, और पुरुषों की संख्या लगभग यहाँ पर 35 लाख है। ये 50 लाख का नया रिकॉर्ड है। आपको पता है, यहाँ पर अगर एक पद के सापेक्ष हम देखें तो 83 स्टूडेंट हैं, यानी एक पद के लिए 83 स्टूडेंट से फाइट होगी। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो लगभग 12,000 के लगभग पद हैं, तो एक पद के लिए 125 स्टूडेंट हैं महिलाओं में, और टोटल 83 स्टूडेंट हैं। आपकी परीक्षा 18 फरवरी को होने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश में 6,500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और 18 फरवरी को एक ही दिन में ये पूरा पेपर कराने की प्लानिंग चल रही है, और आपके 2 से 3 शिफ्ट में आपका ये पूरा पेपर करा लिया जाएगा। आपके पास अब 1 महीने का भी समय नहीं बचा हुआ है। जितना भी समय है उसमें अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस करिए और दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि 60,000 जो पद होते हैं भैया, वो बहुत बड़ी संख्या होती है। एक गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए। अगर आप सिपाही बन जाते हैं तो आपके पूरे घर की, पूरे परिवार की, पूरे गांव की जो गृह दशा है वो सुधर जाएगी। तो अब आप लोग इधर उधर अभी भी आप घूम रहे हैं, इनके उनके चक्कर में आप पड़े हैं, तो सब कुछ त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए। 1 महीने तक संन्यास ले लीजिए, देश दुनिया को भूल जाइए, सपा है, बसपा है, भाजपा है, सबको भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ अपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में ही सोचिए। 50 लाख बच्चे कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं फ्री फंड की नौकरी है, हम जाएंगे पेपर देंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इतना आसान भी नहीं है, पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, फिर भी नौकरी आपकी आसान नहीं है, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। 1 महीने के लिए सब कुछ भूल कर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश का यह नया रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी मात्रा में आज तक किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं आए थे, तो आप लोग उस रिकॉर्ड में शामिल हैं, उस रिकॉर्ड को बनाइए, और 60,000 जो भर्ती है उसमें आपका भी नाम होना चाहिए। जब 1 से 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 18 फरवरी को पेपर होगा, उसके लगभग 1 महीने 1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट में आपका भी नाम होना चाहिए। आप सभी लोग इसी प्रकार से अपनी तैयारी करिए, और आप सभी लोगों को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन लगा के पढ़िए, पूरे जोश के साथ पढ़िए।